जा चुप हो जा, क्यों रो रहा है भाई, क्यों रो रहा है? हाँ चुप 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 चुप। अलीजे मुझे लग रहा है इसका पेट ठीक है। अम्मी इसको डॉक्टर के पास ले जाए। नहीं, बच्चों को गैस का मसला हो जाता है, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। बस भाई चुप 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 चुप। चलो 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 चलो। क्या हुलड़ मचा रखा है, क्यों रो रहा है? सुबह से सर में दर्द है मेरे, चुप ही नहीं हो रहा है, एक मिनट का सुकून नहीं लिया। सीमा कहाँ है, क्यों नहीं चुप कराती आके इसको? इनकी तबीयत ठीक नहीं है शायद ना, इसलिए रो रहा है। तो उसको डॉक्टर के पास लेके जाए ना, बल्कि काम करें आप लोग, यहीं पे अस्पताल खोल लें। ये ईडी सेंटर तो बन ही गया है, जिसका दिल करता है यहाँ पे आके रहने लग जाता है। अमर चाय। थैंक यू। शरीना तुमसे खफा है। खफा क्यों? वो कह रही है कि तुमने उस लड़की को घर में लाकर क्यों रखा है, और अब तबरेज भी उसे वहीं छोड़कर चला गया। तो आप ही को भला इससे क्या इतराज है? कैसे बातें कर रहे हो अमर, तुम जानते हो कैसा लड़का है, फिर भी तुम ऐसे सवाल कर रहे हो। शरीना का फिक्रमंद होना बनता है। देखिए अम्मी, मेरे ख्याल से आप ही कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रही हैं। आपको उनसे बात करनी चाहिए, समझाना चाहिए उनको। मेरी तो अपनी अकल काम नहीं कर रही है। अगर उसके घर वालों को मालूम है कि वो लड़की कहाँ रह रही है, तो फिर उन्होंने वहाँ उसे क्यों छोड़ के रखा हुआ है, अपने घर लेकर क्यों नहीं चले जाते? अम्मी तबरेज ने कहा है कि वो उसे बहुत जल्द ले जाएगा। अब पता नहीं वो दिन कब आएगा, मगर अमन मुझे ना जाने क्यों हाँ वहाँ से घबराहट हो रही है, वहशत हो रही है। बेटा तुम जितना मुमकिन हो सके इन झमेलों से दूर ही रहना। देखिए अम्मी, पहली बात तो ये कि मेरा इसमें कोई कंसर्न नहीं है। दूसरी बात ये कि आप ही छोटी छोटी बातों में ओवर रिएक्ट करती हैं, इसलिए पैनिक हो जाती है। आप परेशान मत हो, मैं जाके उनसे बात करूँगा, ठीक है? आप प्लीज अंदर जाए, आराम करें। ने वो मकान देख लिया? जी सर। दिन रात उसकी निगरानी करनी है, कौन आ रहा था कौन जा रहा, और फिर किसी भी दिन अच्छा सा मौका देखकर। समझ गए मेरी बात? जी बिल्कुल सर, आप फिक्र ही ना करें। किसी को शक नहीं होना चाहिए कि तुम लोगों के वहां जाने का मकसद क्या था। इसे एक वारदात का रंग देना है, जैसे शहर में रोजाना डकैतियां होती हैं, गाड़ियां छीनी जाती हैं या मोबाइल छीने जाते हैं, समझे? तो आप बिल्कुल समझ गए सर, आप फिक्र ही ना करें, तसल्ली रखें, काम भी हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। कैसे हैं तस्वीरें इसी में? सर काम होगा ना तो आपको कॉल करके बता देंगे। बिना वजह बार बार मुझसे रब्ता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद फोन करूंगा, समझे? ओके सर। चल बे। मोहसिन साहब, आपने इजाजत दी है मुझे। हाँ, अब जो भी नुकसान होगा ना भुगतेंगे आप,